When I'm not working, I'm thinking about working. And when I'm working, I'm working. पता है मुझे इट्स नॉट एक्सपेक्टेड, ये मेरा चैनल नहीं है, लेकिन मैंने यार हरनूर का चैनल जो है हैक कर लिया, ये जो सिंग इन यूएसए है ना, हैक कर लिया इसका चैनल मैंने। अब आपको भी क्यों कर लिया है कि मैंने क्या, भाई मैंने इसका वीडियोस देखे अभी दो चार, बताता हूँ मैं, सब बताऊँगा, सारा सब कुछ खोलूँगा इस वीडियो में, ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी ना आपको, मैं बताऊँगा। यहाँ पे काफी बूथ लगे हुए हैं। That is anthropic. Most importantly, food. God, there is so much food, dosto. Amazing. So, Clerk has an integration with Vision Pro. Signs are already ready. Really. अभी हम हैं स्ट्राइप सेशन में। वी गॉट टू सी द सेशन ऑफ जेनसन वांग, सीईओ ऑफ एनवीडिया, ऑफ परप्लेक्सिटी सीईओ अरविंद श्रीनिवासन। उनसे बात करने का मौका, उनको यहीं पे देखने का मौका वाज अनबिलीवेबल। मैंने कोई हैक वैक नहीं किया हरनूर भाई का चैनल, आई एम मेकिंग अ वीडियो, मुझे चांस मिला है, आई एम हियर एट स्ट्राइप सेशंस कॉन्फ्रेंस, वहां पे मुझे हरनूर भाई मिल गए और हमने एक दूसरे से मिला और काफ़ी अच्छा लगा। सो मेरा नाम हैरी है, आपने देखा होगा मुझे कोड विद हैरी चैनल पर, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और वीडियोस भी बनाता हूँ यूट्यूब पर। वन ऑफ द मोस्ट इन डेप्थ वीडियोस आई हैव एवर सीन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट एआई, लाइक जेनसन वांग सेड राइट, कि यार जो लोग एआई, जो कंपनीज एआई यूज करेंगी, दे विल हैव ऑलमोस्ट 5-10x लेस ग्रोथ। आपका क्या मानना है, आप अपनी जॉब में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितनी परसेंट ऑफ योर जॉब हैज बीन टेकन बाय एआई, एंड आप कितना परसेंट आपको लगता है इट इज गोइंग टू कंटिन्यू? तो यार सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल कि अरनूर ने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पर, एंड इंट्रो वाज अ जोक, मुझे पता है ओवर एक्टिंग के 50 रुपये मत काटना। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, जो पूछा अरनूर ने कि क्या एआई जॉब खा लेगा, देखो अगर आप देखते हो थोड़ा बहुत भी मुझे, तो मैंने तो हमेशा से ना ही बोला है, ठीक है। और अभी जो हमने टॉक सुनी जेनसन वांग की, वी जस्ट गॉट टू नो सम गुड नंबर्स, और उन्होंने बताया जस्ट लाइक अरनूर टोल्ड यू 5-10x लेस ग्रोथ। सो ही इवन सेट अ पॉइंट, यू कैन इवन यू नो पुट दैट क्लिप जहाँ पर उन्होंने बोला कि यू विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाई ए आई, बट यू विल बी रिप्लेस्ड बाई अ पर्सन यूजिंग ए आई, एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग ए आई इन योर वर्क फ्लो, देन यू आर काइंड ऑफ हार्मिंग योर वर्क फ्लो। नंबर टू थिंग जेनसन वांग टॉक्ड अबाउट वॉज लामा 3। ए आई की फील्ड में सबसे ज्यादा दो इनोवेशन चीजें हैं, नंबर वन चैट जीपीटी, नंबर टू इज लामा 3। अभी उसने कहा कि लामा 2 से ही वो ब्रेक थ्रू हो गया था, बिकॉज लामा 2 और 3 की वजह से जनरेटिव एआई हैज रीच्ड मैसिव नंबर ऑफ पीपल। तो आप बताओ लामा 3 और 2 से क्या फायदा? मैं बताता हूँ, देखो उन्होंने जो बोला, मैं बता रहा हूँ, दिस इज जेनसन्स वर्ड्स, उन्होंने बोला कि देखो चैट जीपीटी आया, लोगों के पास आया, सबके पास आया, मार्केटर्स के पास आया, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पास आया, ऑलमोस्ट सबके पास आया, लेकिन लामा 2 ने ना एक नई चीज करी, वो लोग जो कि चैट जीपीटी को यूज नहीं कर रहे थे पोटेंशियली, बिकॉज शायद उनका डेटा ना चोरी हो जाए इसलिए नहीं कर रहे थे। इवन कभी कभी मैं भी सोचता था यार, जब कंपनी का डेटा यूज कर रहा हूँ तो वो लोग बोलते थे कि चैट जीपीटी में तुम्हें नहीं डाल रहा है। वट लामा डिड वॉज कि उन्होंने उसको कर दिया ओपन सोर्स। उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था, चैट जीपीटी ओपन एआई के सर्वर पे, ठीक है, आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ओपन एआई के पास आपका सारा डेटा जा रहा है, ओपन एआई नोस कि यार तुम क्या कर रहे हो। लेकिन लामा 2 से क्या हुआ कि तुम्हारे सर्वर पर वो चैट जीपीटी जैसा कुछ रन करा है, इट वाज पावरफुल इनफ, इवन जीपीटी 3.5 से भी ज्यादा बेटर रिजल्ट्स हैं लामा 3 के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एब्सोल्युटली राइट। हाँ, और उससे ऑफलाइन हो गया भाई, ऑफलाइन हो गया, कोपायलट को भी बीट कर, कोपायलट $10 पर मंथ लोग देते थे, हाँ, उसको भी बीट कर, अब वो फ्री है। आपने भी वीडियो बनाई? मैंने वीडियो बनाई, आपने वो पूरी देखी है, बहुत सही थी वो। आई वर्क फ्रॉम द मोमेंट आई वेक अप टू द मोमेंट आई गो टू बेड, एंड आई वर्क 7 डेज अ वीक। व्हेन आई एम नॉट वर्किंग, आई एम थिंकिंग अबाउट वर्किंग, एंड व्हेन आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग। टॉकिंग अबाउट लामा 3, उसने इंडस्ट्री चेंज कर दी है, बिकॉज पहले क्या होता था, काफ़ी कंपनीज के ना एम्प्लॉयज जेलस फील करते थे कि इस एम्प्लॉय को चैट जीपीटी अलाउड है, हमारे को नहीं है, हमारा कोड सिक्योरिटी का हम नहीं डाल सकते थे। पर जब लामा 3 एक प्राइवेसी लेयर आ गई, ऑफलाइन हो गया, GitHub को पायलट की जरूरत नहीं पड़ी, $10 पर मंथ नहीं देने पड़ते कंपनीज को, और दैट जस्ट चेंज द गेम फॉर डेवलपर्स। अब ये गेम बहुत ज़्यादा डेवलपर्स को एक्सेसिबल है। करेक्ट, और ये बात जेनसन ने भी बोली थी, जेनसन ने भी ये बात बोली, आई कंप्लीटली एग्री। और
काफ़ी मतलब सही हो गया लामा तरीके आने से और ओपन सोर्स मॉडल्स के आने से. नाउ इवन ओपन एआई पर भी एक प्रेशर आ गया कि वो अपना एक ओपन सोर्स मॉडल रिलीज करें, जैसे गूगल भी कर रहा है ओपन सोर्स मॉडल्स रिलीज. तो ये ओपन सोर्स मॉडल्स की जो लहर थी जो आई वो फेसबुक ने लामा 2 लामा 3 से शुरू करी, विच वॉज अमेजिंग. और इन सीईओस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन क्या है कि कौन एनविडिया के जीपीओ ज़्यादा खरीदेगा. इंट्रोडक्शन कितनी बढ़िया थी, दे टॉक्ड अबाउट कि उनका जो जीपीओ H100, सो देयर इज अ कॉम्पिटिशन. मेटा सीईओ ज़्यादा ले रहा है, इलॉन मस्क ज़्यादा ले रहा है, दैट वॉज अमेजिंग. अभी जेन्सन वांग ने कहा था कि AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, उसके फ्यूचर के बारे में बात की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ हम डिफाइन करना चाहें तो आप पहले डिफाइन करना हाउ विल यू से व्हाट इज AGI, एंड मैं उसे ऐड करना चाहता हूं बिकॉज AGI एवरी ईयर इज गेटिंग बेटर. करेक्ट करेक्ट. सो AGI की एक सेट डेफिनेशन मतलब कोई ऐसी है नहीं, मतलब लोगों ने किया हुआ है डिफाइन अपने से. तो जेन्सन वांग ने क्या बोला था वो मैं बताता हूँ आपको. अभी थोड़ी देर पहले हमने दोनों ने टॉक सुनी, उसमें उन्होंने ये बोला था कि यार देखो AGI आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिफाइन कर दो कि भाई ये करना है, वो AI करेगा. ठीक है, वो कर देगा AI, मतलब आज ही नहीं तो अगले 5 साल में बहुत सही से कर देगा. तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम हैं, ठीक है, हम जोक भी कर सकते हैं, हम आपको ये भी बता सकते हैं कि सैन फ्रांसिस्को कैसा है, हम आपको ये भी बता, ये आपको बता सकते हैं कि आपको US में आने के लिए क्या करना है, मैं आपको बता सकता हूँ कि न्यू दिल्ली में क्या क्या है, मतलब ये भी बता सकते हैं. बट आपको AI को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम देनी है, उस प्रॉब्लम पर ट्रेन करना है, AI विल डू इट, मतलब ये उन्होंने कहा था. तो AGI की जो आप डेफिनेशन बता दो आपकी AGI की क्या है, एंड AI विल बी कैपेबल ऑफ डूइंग इट. बट मैं इस बात पे ये कहूँगा कि एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5-7 ईयर्स, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो बात वैलिड है, मतलब ऐसा मुझे लगता है. ठीक है, वैसे तो यार अगले 1 महीने में कोई क्या करते हैं हमें नहीं पता. ठीक है, तो ये बात है बस. डेफिनेटली AGI का बेसिकली ये है कि हमारी जैसे इंटेलिजेंस कितनी जल्दी उसके पास आ सकती है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. तो जनरल बेसिकली जैसे हम सोचते हैं वैसा AI सोच पाए, पर जेन्सन वांग ने कहा बेस्ड ऑन हाउ यू डिफाइन इट, इट इज पॉसिबल इवन नाउ. अगर आप डिफाइन करते हो कि क्या अगर आप इंग्लिश टीचर की तरह सोच सकते हो, वो तो ChatGPT भी कर पा रहा है. दैट मीन्स AGI इज ऑलरेडी देयर फॉर इंग्लिश कैपेबिलिटीज इन ग्रामर विद ChatGPT. तो ऐसे ही कहते कहते मेरे होश ही खुल गए कि मेरे भी होश उड़ गए वो बात सुन के. मतलब मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, जब उन्होंने ये बात बोली ना, उन्होंने जब ये रियलाइज कराई, मतलब अगर आप सुन पाए वो टॉक तो सुनना, उसमें उन्होंने जिस हिसाब से बोला था, मतलब द वे ही मतलब एक्सप्लेन्ड इट, कि यार मतलब जिस हिसाब से उन्होंने समझाया था कि देखो AGI नहीं आया सब कह रहे हैं, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिफाइन कर दो और उसके बाद उस हिसाब से आप AGI को डिफाइन करो और कहो कि यार, जैसे इन्होंने बोला भी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कि आपको सीखना है इंग्लिश स्पीकिंग, आपको ChatGPT सिखा देगा. आपको अगर ChatGPT भी कम लग रहा है, आप ट्रेन कर लो एक और मॉडल सिर्फ उस चीज़ पर, देखो फिर उसकी कैपेबिलिटीज. आज हम 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल की बात करते हैं, वो 7 बिलियन पैरामीटर्स आर हैंडलिंग, मतलब ChatGPT की बात कर लो, कोडिंग भी पता है उसे, कुकिंग भी पता है उसको, ये भी पता है सैन फ्रांसिस्को में कहाँ घूमना है, उसे ये भी पता है कि न्यू दिल्ली में क्या है, उसे ये भी पता है कि मेरी सिटी में क्या, इनकी सिटी में क्या. तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ट्रेन करके तो देखो 7 बिलियन पैरामीटर का मॉडल हो जुड़ जाएंगे. बिल्कुल. और नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही टॉक्ड अबाउट इज कि लेट्स से देयर आर 2 मॉडल्स वर्सेस 1 मॉडल, लेट्स से देयर आर 10 मॉडल्स वर्सेस 1 मॉडल, कौन सा मॉडल बेटर है. जैसे कि उसने मुझे बताया अभी टॉक में कि इफ देयर इज इवन अ 0.5% डिफरेंस इन 2 मॉडल ट्रेन डेटा, पूरी गेम चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नॉलेज है उसका एक डेटा ट्रेन करें जिसकी एक्यूरेसी है 99%, मेरी नॉलेज का एक डेटा ट्रेन करें जिसकी 98% है, तो आप कभी ये दोनों कंबाइन करोगे वो बेटर नहीं है, दोनों के अलग अलग रखो. उसने इसी कारण बोला कि अगर आप इंग्लिश का मॉडल ट्रेन करें वो सेपरेट करो, स्पेनिश का अलग, हिंदी का अलग, पंजाबी का अलग. सो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 2 इंसान की नॉलेज और एक्सपीरियंस अलग है, उनका मॉडल ट्रेन होके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो उनका पैरेलली आप इंप्लीमेंट करो और दोनों को अलग अलग यूज़ करो. दैट्स वाई इफ समवन इज यूजिंग AI, उन्हें Llama भी यूज़ करना चाहिए, ChatGPT भी यूज़ करना चाहिए. देर इज ऑल्सो नंबर 3 कौन सा, मेटा का भी आ रहा है और एक और है क्लॉड. तो किसी को अगर यूज करना है तो तीनों चारों यूज करो फॉर बेस्ट प्रोडक्टिविटी. वो कहता है कि वो Perplexity भी यूज करता हूँ. बिल्कुल. अब मैं बताता हूँ इस पर एक पॉइंट ऐड करूंगा. अगर आप कोई भी एक काम कर रहे हो पर्टिकुलरली, जैसे हम लोग हैं, हम लोग शायद 90% अगर यूज करते हैं ChatGPT तो कोडिंग के लिए करते हैं. ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे कौन सा AI यूज करना है. ठीक है, मैं जैसे जब वो Llama यूज करता हूँ, मैंने वीडियो बनाया था उस पर, कोड Llama यूज करता हूँ, GitHub पे अपने VS Code में इंप्लीमेंट कर दिया था, तो मैं कोड Llama उसमें यूज करता हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट किया है उसको, मैंने खुद टेस्ट किया. तो मैं कहूँगा आप टेस्ट करो अपनी पर्टिकुलर यूज केस के लिए कि आपका कोड Llama में बेटर, अच्छा आपको आउटपुट मिल रहा है, आपको कौन से मॉडल से मिल रहा है. बेसिकली आपको ChatGPT से मिल रहा है, आपको Llama 3 से मिल रहा है, Llama 4 से मिल रहा है, कौन से अलग अलग मॉडल्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो कौन से वाले से मिल रहा है और उसके हिसाब से आप यूज
यूज करो फिर उसको, आपका जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपके यूज केस के लिए वो मॉडल यूज करो. बिल्कुल, क्योंकि और आपको मल्टीपल यूज करने पड़ेंगे फॉर बेस्ट एक्यूरेसी, बिकॉज दैट्स व्हाट ही प्रूव्ड, कि अगर दो लोगों को अलग अलग नॉलेज से ट्रेन किया है दोनों के आउटपुट कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं, इवन इफ देयर like experience, if he is like let's say 28, I am 26, दोनों के complete different output आ सकते हैं because दोनों के experiences ही अलग हैं. Absolutely. People misunderstand is somehow the best jobs are the one that brings you happiness all the time. I don't think that that's right. You have to suffer, you have to struggle, you have to endeavor, you have to do those hard things and work through it. Last I want to talk to you about is passion. जो जेनसन वांग ने बात की, he said passion is not something you enjoy. उसने कहा I wish you having all the pains in life. Correct, correct. वो भी होश खो गए. उन्होंने एक लाइन बोली थी, let me recall it, कि I will torture you to excellence. I will torture you to excellence. बिल्कुल सही. That was like कि पैशन ये नहीं है कि आपका हर रोज मस्ती में जा रहा है. उसने कहा कि आई वॉन्ट यू टू फील द टॉर्चर टू एक्सेलेंस, ताकि आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपने भी एक यूनिकॉर्न बनाया है एंड इट विल बी टॉर्चर्ड टिल लाइफ. उन्होंने बोला था कि आई वुड नॉट मेक यू फील हैप्पी बट रादर टॉर्चर यू टू एक्सेलेंस, ताकि आप अपने लाइफ में बाद में जब देखो तो कुछ अच्छा मिलो मुझे, कुछ अच्छे करते हुए. बिल्कुल, टाइप का बोला था उन्होंने. और ये इससे बहुत ज्यादा गुजबंस मिले. इसी बात पे आप स्टूडेंट्स को बताओ कि अभी अपना वो पैशन चूज कर रहे हैं, डेवलपमेंट में खो जाते हैं, कंप्यूटर विजन, देयर इज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, कितना कुछ भरा पड़ा है. लाइक हाउ कैन दे फिगर आउट देयर पैशन एंड देयर टॉर्चर टू एक्सेलेंस. ओके, चलो तो मैं बताता हूँ इस बारे में. मेरा मानना यह है कि सबसे पहले अगर आप कॉलेज में हो तो यू शुड बी हंटिंग अ जॉब. ठीक है, अब बहुत सारी बातें करते हैं लोग, कहते हैं बिजनेस कर लो, स्टार्टअप कर लो, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, मतलब नहीं क्या क्या चलता है मार्केट. मैं कहूँगा यार आप अपनी सक्सेस को देखो सबसे पहले. अपना मतलब एक अलग नेक्स्ट लेवल होता है हर किसी का. ठीक है, किसी के लिए वो नेक्स्ट लेवल हो सकता है गेटिंग इनटू IIT, किसी के लिए नेक्स्ट लेवल हो सकता है कि जस्ट पासिंग 12th का बोर्ड एग्जाम. ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट लेवल है अगर आप कॉलेज में हो तो वो शायद होगा गेटिंग अ जॉब. और आप अपने कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में, जैसे अगर आप IIT में हो, ठीक है, और आपको पता है कि गूगल आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, और आपको लगता है आपका CGPA आप कैपेबल इनफ, गो एंड स्टडी DSA. अगर वो लोग DSA पूछ रहे हैं तो कल अगर वो पूछना बंद करते, गो एंड स्टडी व्हाट दे आर आस्किंग, बिकॉज गेट इनटू अ कंपनी यार, वहाँ जाकर ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वहाँ जाकर ही आपको सब चीज़ें मतलब सीखने को मिलेंगी. तो ये होता है ऐसा. तो मेरे हिसाब से यू शुड फोकस ऑन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ जॉब, बट द नेक्स्ट लेवल, जो भी आपकी नेक्स्ट लेवल है आप उस नेक्स्ट लेवल पे पहुँचो, फोकस ऑन दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एवरीथिंग. अगर वो आपका आ रहा है वेब डेवलपमेंट सीखे, अगर आपको लगता है कि यार वेब डेवलपमेंट आप कर लोगे तो आपकी एक इंटर्नशिप लग जाएगी जहाँ जाके शायद आपको और आगे का दिखेगा, यू विल गेट एनलाइटनमेंट फर्दर. तो ये मैं कहूँगा कि मतलब अभी का देखो, ज़्यादा दूर का मत सोचो. ये मत सोचो मैं बिलियन डॉलर की कंपनी बना लूँ, ट्रेलर. मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे कहते हैं यार मुझे बिलियन डॉलर की बनानी है कंपनी. अरे भाई पहले एग्जाम तो कर ले पास सेमेस्टर के. बहुत सही कहा, क्योंकि फ्यूचर देख के प्रेजेंट डिसाइड नहीं करना चाहिए. अभी देखो, अभी वेब डेवलपमेंट की जॉब्स हैं, सबसे ज़्यादा जॉब्स ही अभी वेब डेवलपमेंट की है, फिर डेटा साइंस की है. जिसकी जॉब्स है अभी तैयारी करो, तैयारी जीत की और डू इंटरव्यू सर्फ एक्सेल की तरह. अभी प्रेजेंट में सोचो, बाद में कल परसों क्या होने वाला किसी को नहीं पता. डोंट टेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन पास्ट, नॉट ऑन फ्यूचर. जब भी जॉब पोर्टल देखो जहाँ जॉब्स हैं उसकी तैयारी करो, वहाँ के लिए प्रिपेयर करो एंड गो फॉर इट. मुझे लगता है सीक्रेटली प्रमोट कर रहे हैं सर्फ एक्सेल को, बहुत दो तीन बार बोल चुके हैं. अबाउट द डिक्रीज इन हाइप ऑफ DSA, आपका क्या मानना है? पहले DSA का कोई भी चैनल देख लो, वो बहुत ज़्यादा बूमिंग था. एवरीवन नीड्स टू सर्च अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स. ChatGPT ने वो किल कर दिया है. आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज DSA आपकी लाइफ में रोल देता है? देखो अगर मैं सच बोलूं, बिल्कुल ब्रूटल ट्रुथ, तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल सॉफ्टवेयर डेवलपर जर्नी में DSA का बहुत कम रोल होता है. ठीक है, मैं खुद बता रहा हूँ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लोगों को DSA नहीं करना चाहिए. मेरे हिसाब से लोगों को स्टिल DSA करना चाहिए, क्योंकि कंपनीज आर स्टिल आस्किंग फॉर DSA. व्हाट आई डू नॉट रिकमेंड डूइंग इज़ कि लोग ना बहुत एग्रेसिव चले जाते हैं, एग्रेसिवली DSA में चले जाते हैं, कि जैसे टैक्स भी कर ली, क्यूज़ कर ली, अच्छी बात है चलो, प्रायोरिटी क्यूज़, क्यूज़ के भी बहुत सारे मतलब अलग अलग वेरिएशंस हैं. और फिर मतलब वो जो होता ना कि मतलब 160 आवर का DSA कोर्स आप देखने बैठ रहे हो, तो अगर आप सिर्फ DSA का कोर्स देखने बैठोगे ना तो यू विल मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे कि ये सब चीज़ें, जैसे हम भी बात कर रहे थे Llama 2 की, ChatGPT का, ओपन सोर्स, मतलब अगर आप समझते ही नहीं उन सब चीज़ों को कि क्या हुआ, क्यों Llama 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, ChatGPT से तो हो ही रहा है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है. अगर आप मतलब सारा टाइम DSA को दे दोगे तो ये सब कब करोगे फिर? मतलब आपको थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट भी जाना चाहिए कम से कम. यार ये तो पता होना चाहिए कि वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं. लोगों को क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव CS डिग्री
एंड आपको भी बताऊंगा, मतलब सी एस डिग्री तुम्हारे पास है तो मैं क्लाइंट सर्वर का मतलब ये नहीं बताओ, तुम कह रहे हो यार मुझे डी एस ए के सब क्वेश्चन लगा लिए मैंने, तो वो एक ना मतलब मशीन नहीं बनना है ना फिर, क्योंकि मशीन तो है हमारे पास चैट जीपीटी आप यूज़ करो, तो ये है मेरा टेक इस पे। बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब कि डी एस ए एक लिमिट तक की ज़रूरत है। मैं बताता हूँ आज तक मैंने 4 साल मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस है, आज तक मैंने लिंक्डइन लिंक्ड लिस्ट स्क्रैच से नहीं बनाई, ना मैंने लिंक्ड लिस्ट को सिर्फ यूज़ किया, ना मैंने कभी अरे स्क्रैच से बनाया है, कोई भी डी एस ए कॉन्सेप्ट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ किया है, स्क्रैच से कभी यूज़ करना ही नहीं पड़ा। नहीं पड़ना पड़ा, सही बात वही है। अगर मैंने करा है कभी लास्ट टाइम तो मैंने अपनी डी एस ए प्लेलिस्ट के लिए किया था। बिल्कुल सही। ओके नाउ नेक्स्ट नंबर 4, द बिगेस्ट हाइप इन द इंडस्ट्री इज कि वेब डेवलपमेंट बहुत सैचुरेटेड हो गई है। आपने इस पे ऊपर वीडियो बनाई थी, तो वेब डेवलपमेंट सैचुरेटेड होने का कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यार कि टेक इंडस्ट्री में घुसो क्यों, क्योंकि जो बहुत सैचुरेटेड है, गो इनटू वेब 3 में भी, गो इनटू फील्ड्स व्हिच आर नॉट सैचुरेटेड, मे बी एआई, पर यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि अगर हर कोई एआई में जा रहा है तो एआई भी सैचुरेटेड लगती है। इसमें बोलता हूँ, ठीक है थोड़ा sure. तो देखो मेरे हिसाब से क्या है ना कि अगर आप ये देखोगे कि एआई क्या कर सकता है, एआई की कैपेबिलिटीज पे आके आप डिसाइड करोगे क्या करना है, तो यार आप बाल भी नहीं काट पाओगे। मतलब मैं कह रहा हूँ इवन AI पहले लोग काम कर रहे हैं इस प्रॉब्लम पे कि ऑटोमेटिक आपका हेयर कट हो जाएगा, आप जो हेयर कट कर रहे हैं वो उसकी जॉब भी खतरे में, प्लम्बर की जॉब भी खतरे में, कुकिंग की, अभी कुकिंग का मतलब दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट। तो अगर आप ये सोचोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। तो मैं तो ये कहूँगा ज़्यादा मैं सोचो देर, मतलब अभी जो दिख रहा है, जितना दिख रहा है भाई, देखो मैं जो दिख रहा है मुझे वो बता रहा हूँ, ये भी जो इनको दिख रहा है वो बता रहे हैं, ठीक है। हमें नहीं पता 10 साल बाद क्या होने वाला है, एम आई राइट? बिल्कुल, हमें क्या पता यार 10 साल बाद क्या होने वाला है, ठीक है। किस किसे पता था चैट जीपीटी आ जाएगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रहे हैं, तो अगर मैं वही बताऊँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो अभी AI lacks क्रिएटिविटी, ऐसा मुझे लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है। आप देखो जैसे हम ब्लॉग करते हैं, ठीक है, हमने ब्लॉगिंग करी, मैं अगर आपको यहाँ पर घुमा के दिखा दूँ कि यार ये देखो ये है, यहाँ पे ये होता है, थोड़े बहुत जो स्क्रैक कर दूँ ये कर दूँ, जैसे आप इस वीडियो का एग्जांपल ले लो यार, क्या ये वीडियो AI बना सकता है ऐसे, इतने मतलब अपने इनसाइट्स देके हम लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो शायद नहीं जनरेट कर सकता वीडियो AI। तो मतलब वही चीज़, देयर इज ऑलवेज समथिंग जो कि AI लैक करेगा, एंड यू विल हैव टू यूज़ AI फॉर वट एवर AI इज कैपेबल टू डू, और उसके बाद अपनी वैल्यू ऐड करो, और यार लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। अगर ये सोच लोगे कि AI कर देगा ये तो मैं नहीं करूँगा, तो बाल भी नहीं काट पाओगे। एक बार मजा आ गया यार, थैंक यू सो मच हैरी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी घूमेंगे कहीं पे कुछ करते हैं यार, अब एक दो दिन, ऑडियंस को हम लोग से विल से बाय, ठीक है, थैंक यू यार, मजे अभी, और चेक आउट कोड विद हैरी फॉर इन डेप्थ एनी कोडिंग नॉलेज, चाहे AI हो कुछ भी हो, गो अहेड एंड चेक आउट। What an amazing talk, so well orated. एक घंटा पता नहीं चला कब खत्म हो गया। And Stripe has invented the next level pay on iPhone. Next level innovation square.